प्रसाद विवाद मामले द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराजे निवेदन आप्यू हतु, जेमा तेमणे जणाव्यू हतु के आ हिंदुओनी धार्मिक भावना साथे खिलवाड़ करवामां आव्यो छे, तेमज संचालकोनी अने शासकोनी जवाबदारी छे आवी भूल बीजी वखत न थाय ते अंगे तकेदारी राखवा जणाव्यू हतु। तेमज आ गुनाना आरोपीने कड़कमां कड़क सजा आपवा माटे मांग करी हती। आ उपरांत असली हिंदु कोने गणावी शकाय ते अंगे जणाव्यू हतु। बाला त्रिपति जी मंदिर के प्रसाद के संबंध में आपने जो प्रश्न किया है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है। भारत में सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मांस मदरा की बात तो छोड़ो, लहसुन प्याज भी नहीं खाते। जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो बाला त्रिपति जी भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ जाएं और वहाँ चर्बी से निर्मित, मछली के तेल से निर्मित लड्डू का प्रसाद प्राप्त हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है, हिंदुओं का क्या हो सकता है। जो भी संचालन करने वाले हैं, जो वहाँ की संचालन समिति है, जो वहाँ के प्रशासक हैं, जिनके हाथ में शासन है वहाँ का, उन लोगों की यह जिम्मेदारी है, ध्यान रखना चाहिए ऐसी भूल दूसरी बार ना हो, और जिन्होंने गलती की है, जो अपराधी हैं, उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, यही हम लोगों की इच्छा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिरों की व्यवस्था, मठों की आश्रमों की व्यवस्था धर्माचार्यों के हाथ में होना चाहिए, आचार्यों के हाथ में होना चाहिए। जिस संप्रदाय की जो परंपरा है, उस परंपरा के जो आचार्य हैं, उनके हाथ में संचालन होना चाहिए। यदि यह संचालन किसी धर्माचार्य या आचार्य के या विद्वान पुरुष के हाथ में होता तो ऐसी गलती वहाँ कभी नहीं हो सकती थी। तिरुपति जी वाला मंदिर, बालाजी भगवान का मंदिर करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति को धारण करने वाला मंदिर है। 1,00,000 गौ माता का पालन कर सकते हैं, वो स्वयं अपनी गौशाला बना करके गौ पालन करना चाहिए, अपनी गौशाला का घी निकाल करके, दूध घी ग्रेत मक्खन उसी का नैवेद्य रखा जाना चाहिए, यही हम लोगों की सूचना है। जो हिंदू धर्म का पालन करे वही असली हिंदू है, यही पहचान है। हिंदू की पहचान क्या है, वो कौन हिंदू कहवाए छे। गोसु भक्तिर भविद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातयः, जिसकी गाय में भक्ति है, जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, माता पिता की सेवा देवता मान करके करता है, उसे हिंदू कहते हैं। ये हिंदू, ये असली हिंदू है। जन्म से तो हिंदू माना जाएगा, जिसके माता पिता हिंदू है वो तो हिंदू ही पैदा होगा, लेकिन उसमें हिंदुत्व कब आएगा, जब वो हिंदू धर्म का पालन करे, है ना। जल कौन सा जल है जो आपकी प्यास को बुझा दे, खारा पानी भी जल है लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझती, समुद्र के जल से आपकी प्यास ठंडी नहीं होती, इसलिए जल तो है लेकिन जलत तो नहीं है। हम हिंदू तो हो गए लेकिन हिंदू धर्म का पालन नहीं करते तो हिंदुत्व हमें नहीं आएगा, इन कहवा अर्थ ये थे। हम जी गया।